तुझे आया कि नहीं आया? ओके सो नाउ चैप्टर 5 शॉर्ट सम क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना अभी लास्ट वाला? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, नंबर 10 हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. ओके तो यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 3:1. ओके और रेशियो हाँ सॉरी न्यू रेशियो बाकी है नहीं अपना. ओके सो न्यू रेशियो ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 9 न्यू रेशियो ऑफ ए सो क्या होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. ओके सो ओल्ड कितना था सेक्रीफाइस? ओल्ड 4:10 था. ओके और सेक्रीफाइस कितना था? 2:80. सो यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम 80 आएगा, 10 8 जा 80, 8 4 जा 32, 81 जा 80, 1 2 जा 2, तो 30:80. ओके ए का बी का निकालो तो क्या होगा? 3:10 माइनस 1:80, सो 80 एलसीएम आया, 10 8 जा 80, 8 3 जा 24, 8 1 जा 80, 1 1 जा 1, तो 23:80. ओके सी का निकालो, सी का 3:10 माइनस 1:80, तो वही का वही आएगा 23:80. ओके डी का निकालो, डी का कितना था रेशियो? डी को जो मिला था क्वेश्चन नंबर 9 में 1:20. ओके एलसीएम क्या है? 80 है, सो 24:80 4 होगा, सो ये फर्स्ट मेथड 4. ओके अभी ये चेक करो, 80 माइनस 30 कितना होता है? 50 माइनस 46 कितना होता है? 4 आ गया अभी. सो रेशियो क्या आएगा? न्यू रेशियो 30:23:23:4. चेक द आंसर. Now next one, question number 10 में क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. सो यहाँ पे 3:1 होगा, ए और बी का 3:1 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. ओके द एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफिशियल, देखो ऑफिशियल. ओके ए सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन दिया हुआ है, सो ऑफिशियल का कितना मतलब 1:3 है और दूसरा क्या है बी का 1:4 है. ओके ऑफिशियल है. ओके इन फेवर ऑफ सी बराबर. अभी आपको फाइंड करना है पहले सेक्रीफाइस. ओके तो सेक्रीफाइस क्या होगा? ओल्ड मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन. ओके सेक्रीफाइस शेयर. ओके सो ओल्ड कितना दिया हुआ है? शेयर यहाँ पे प्रपोर्शन नहीं दिया हुआ है, वो रेशियो में दिया हुआ. ओके फ्रैक्शन में दिया है तो शेयर होगा. ओके सो ओल्ड कितना है? 3:4 दिया हुआ है. ओके और यहाँ पे 1:3 दिया हुआ है, सो 3 × 3 और 4 × 12. ओके ए का हुआ और बी का, बी का क्या है? दैट इज ओल्ड रेशियो 1:4 मल्टीप्लाई बाय 1:4. ओके 1:4 दिया ना 10th में, देखो अभी यस ऑफिशियल दिया. ओके 1:4 सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:16 हो जाएगा. ओके बराबर. सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे डिनोमीटर. ओके तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है? देखो अभी 12 और 16 का एलसीएम क्या आता है? 2 6 2 8 2 3 2 4 2 2 2 1 3 1 2 2 जा 4 4 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 का एलसीएम आया बेटा. 12 4 जा 48 4 3 जा 12 यहाँ पे 16 3 जा 48 3 1 जा 3 यहाँ पे क्या है? 12:3 आया आपका, दैट इज अ सेक्रीफाइस रेशियो. यानी 12:3 को क्या करेंगे इस फॉर्म में?
थ्री हो तो वन बाय फोर एस टू वन होता है, सैडल फॉर्म कितना होता है फोर एस टू वन होता है, सेक्रीफाइस कितना आया ए और बी का फोर एस टू वन आया। अभी न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ए, ओके तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है थ्री बाय फोर, माइनस सेक्रीफाइस क्या है ट्वेल्व बाय फोर्टी एट, हाँ इसका रिड्यूस फॉर्म कर दिया फोर एस टू वन, हाँ ओके। अभी आपको ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस में आपको जो ओल्ड सेक्रीफाइस है वो लिए 9 किलोमीटर में, ओके बराबर चालसी माइनस फोर्टी एट हुई तो 48 लिख दो यहाँ पे, फोर कितना होता है फोर ट्वेल्व या फोर्टी एट तो ट्वेल्थ या 36। बाद में क्या होगा कि वापस निकालना पड़ेगा एलसीएम, तीनों का अलग अलग डिनोमीटर, तीनों पर डिनोमीटर लगेगा वापस एलसीएम निकालना पड़ेगा, दूसरी बार वो हजम इसीलिए बराबर। अभी एक का देखो, अभी यहाँ पे लेते हैं फोर बाय फाइव लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद वन बाय फाइव लेते हैं यहाँ पे, और सी का जो है वो लग देते हैं ओके, तो वापस एलसीएम निकलना पड़ता तीनों का, बट यहाँ पे पूरा आंसर आ जाएगा ओके। सो 48 वन जा 48 और वन ट्वेल्व जा 12, यानी कितना होता है 24 बाय 48। अभी बी का ओके, ओल्ड कितना है वन बाय फोर है, माइनस सेक्रीफाइस कितना है इसका थ्री बाय 48, चाहे 48 एलसीएम आएगा, वो 12 जा 12 वन जा 12, 48 वन जा 1 3 जा 3, सो 9 बाय 48। अभी सी का ओके, सी का क्या है कोई कुछ भी दिया नहीं है ओके, सो क्या करो डायरेक्टली माइनस कर दो, अभी 24 प्लस 9 कितना होता है 33 होता है ना, 24 प्लस 9 33 हो, 48 माइनस 33 करो कितना होता है 48 माइनस 33, 8 माइनस 3 5 15 ओके। सो न्यू रेशियो क्या आएगा तीनों का 24 रेस टू 9 रेस टू 15 ओके, अभी ये 3 से डिवाइड होगा ओके, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 8 रेस टू 3 रेस टू 5 इज न्यू रेशियो है, चेक द आंसर। सीखा कुछ दिया नहीं है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो 15 बाय 40 आ जाएगा यहाँ पे, खत्म बात ओके। हाँ ऐड से नहीं करता ओके, हाँ सेक्रीफाइस होकर ऐड कर तो भी आपको मिल जाएगा ओके। नाउ 11 ओके, इलेवन में क्या दिया हुआ ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग परफॉर्मेंस रेशियो 5:3 ओके, यहाँ पे आपको ए और बी दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है और रेशियो ओके बराबर। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, तो सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाइस 30% हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 20% ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको ए सेक्रीफाइस 30% हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 25% ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी ओके बराबर है, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे न्यू रेशियो, ए का दिया है ओल्ड रेशियो 5:3 ओके, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर ओके इन फेवर ऑफ सी बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्या था 3 हो गया अपना, 3 हो गया ना ओके ओके, इलेवन में ओके, इलेवन में क्या है ए एन बी आर द शेयरिंग, ए एन बी आर द पार्टनर शेयरिंग परफॉर्मेंस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ओके, 5:3 यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाइस 30% हिज शेयर ओके, वो कितना है 30% है ए का ओके,
और बी का कितना है? बी सेक्रीफाइस 20% ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, बराबर। यहाँ पे परसेंटेज में दिया है तो कोई बात नहीं, तो क्या करो 30/100 कर दो, 0 कैंसिल, 3/10, 20/100 कर दो, 0 कैंसिल, 2/10 हो गया, बराबर। तो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन दिया हुआ, ओके, सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन दिया हुआ है। अभी आपको फाइंड करना है सेक्रीफाइस, फाइंड करना है, ओके। स्टेट में क्या कर देते हैं? वो 100 से प्लस कर दे रहे थे, इसमें क्यों डिवाइड कर? वो परसेंटेज दिया ना बेटा, तो इसको फ्रैक्शन में निकालना है, रेशियो को आपको फ्रैक्शन में निकालना है, इसीलिए इसमें, ओके। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में निकालना है, बराबर है, इसलिए, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, ऑफिस शेयर, ओके, 30% ऑफिस शेयर, आपको सेक्रीफाइस निकालना होगा, सेक्रीफाइस ऑफ ए, सेक्रीफाइस ऑफ ए, तो ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस शेयर, ओके। यहाँ पे ओल्ड कितना दिया हुआ है, 5/8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3/10 कर दो, तो 5 3 15 और 8 10 80। बी का निकालो, ओल्ड कितना है, 3/8 है और 2/10 है, ओके, तो 3 2 6 और 8 10 80, ओके, 6/80 आया, ओके। अभी क्या फाइंड करना है आपको, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ पे, न्यू रेशियो ऑफ पे, हाँ तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, ओके, 3 5 15 3 2, ओके, 5:2 आया, ओके, सेक्रीफाइस। और न्यू रेशियो ऑफ ए, और न्यू रेशियो ऑफ ए में क्या है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओके, ओल्ड कितना है, 5/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना है इसका, 15/80, सो 80 इज द एलसीएम, ओके, सो 8 10 80, 10 5 15, 81 80, 115 15, सो यहाँ पे 8 10 50 माइनस 15 कितना, 35, 35/80 इज द आंसर, ओके, फॉर ए। उसके बाद फॉर बी, बी में क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना है, 6/80, तो 80 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 8 10 80, 10 3 30, 81 80, 16 6, 24/80, ओके। अभी आपको सी का निकालना है, तो सी का दोनों का ऐड कर दो, सेक्रीफाइस 15 + 6 कितना होता है, 21 21/80, आप डायरेक्ट कर सकते हो, और इनडायरेक्ट में 80 - 35 करो कितना आएगा, 55, 55 - 24 करो तो आएगा 21, ओके। सो एल्स आपका रेशियो क्या आया, 35:24:21, ओके। तो अभी ये आता है आपके थ्री कैटेगरी में, आता है, देखो नहीं आता है ना, सो रेशियो क्या, रेशियो क्या आया आपका, 35:24:21, ओके, चेक द आंसर। हाँ, ओके, सो ये आपका सेक्रीफाइस 5:2 और ये आपका न्यू रेशियो आया, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12, ओके। 12 में क्या है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रोफेशनल्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे एडमिटेड ए एज ए न्यू पार्टनर। यहाँ पे ओल्ड रेशियो है ए और बी का, ओके, 2:1, ये एक्स और वाई, ओके, एक्स और वाई, ए बी नहीं है, सो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, ओके। उसके बाद दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर, जेड को न्यू पार्टनर एडमिट किया है, एक्स सेक्रीफाइस 1/5 प्रॉमिस शेयर, ओके, तो एक्स का दिया है 1/5, देखो प्रॉमिस शेयर है, प्रॉमिस का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस, ओके, और वाई का क्या दिया है, 1/5 ऑफिस शेयर दिया है, वो सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन है, ओके, सेक्रीफाइस नहीं है,
ये क्या है, प्रोपोर्शन है और ये सेक्रीफाइस है ओके, और ये सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन है, सेक्रीफाइस शेयर है ओके, बराबर, तो दोनों अलग है, ये सेक्रीफाइस नहीं है ओके, तो इसका भी सेक्रीफाइस फाइंड करना होगा, तो अभी लिखो यहाँ पे सेक्रीफाइस ऑफ वाई ओके, तो जेड का कितना दिया है प्रोपोर्शन, जेड का जेड 1/15, हाँ कुछ दिया नहीं है जेड का ओके, ना हाँ एक्स सेक्रीफाइस 1/15 ऑफ शेयर हो तो एक्स का दिया है, वाई सेक्रीफाइस 1/15, हाँ जेड का कुछ दिया ही नहीं ओके, जेड का फाइंड करना होगा दोनों का मिला के बाद, तो यहाँ पे लिखो सेक्रीफाइस ऑफ वाई ओके, तो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस शेयर ओके, ओल्ड कितना है वाई का 1/3 है और इसका 1/5 ओके, सेक्रीफाइस शेयर हाँ ओके, दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है 1/5 ओके ऑफिस शेयर ओके, सो 1/ कितना आया 15 आया ओके, तो सेक्रीफाइस क्या आएगा 1/15 क्या 1:1 होगा, तो सेक्रीफाइस इनका कितना हुआ 1:1 हुआ ओके, अभी न्यू रेशियो फाइंड करना है, अभी फाइंड करो यहाँ पे न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ ए तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है 2/3 माइनस सेक्रीफाइस कितना है 1/15 ओके, तो 15 एलसीएम ले लो, 3 5 15 5 2 10 15 1 15 1 1 1 सो 9/15 ओके बराबर, न्यू रेशियो ऑफ ए ओके, न्यू रेशियो ऑफ बी नाउ, न्यू रेशियो ऑफ बी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना दिया हुआ है 1/3, सेक्रीफाइस कितना दिया हुआ है 1/15 ओके, एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा, 3 5 15 5 1 5 15 1 15 1 1 1 सो 4/15 क्या होगा 4/15 ओके बराबर, अभी न्यू रेशियो क्या आएगा 9/15 और 4/15 ओके, 9/15 4/15 दो मिनट, लाइट चालू कर देता हूँ, अंधेरा हो गया ना, सो यहाँ पे 9/15 4/15 ओके बराबर, और जो सी का कितना दिया हुआ है कुछ दिया नहीं हुआ है, दोनों को प्लस कर दो ओके, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 और 1/15 यानी 2/15 हो जाएगा बराबर, सो 2/15 ओके, तो रेशियो क्या है 9:4:2 ओके, कितना होता है 9+4 13 13+15 आ गया ओके, सो 9:4:2 इज द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज फिनिश ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू, नाउ 13 नाउ x y z पार्टनर शेयरिंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:1 ओके, यहां पे 2 x y और z ओके तीन पार्टनर है उनका रेशियो है 2:3:1 ओके, और रेशियो उसके बाद क्या है दे एडमिटेड w एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर ओके, w का अकाउंट किया 1/6 में ओके, उसके बाद z विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर इन फेवर इन फ्यूचर ऑल्सो, यहाँ पे जेड जो क्या है वो क्या बोल रहा है कि मेरा जो है वो इतना ही रहेगा, मेरे को कोई चेंज नहीं करना है ओके बराबर है, तो
चलो विशेष बोलो, अभी फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? हाँ फर्स्ट स्टेप बोलो अभी, ये किया था टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू वन, ओके स्टेप वन। स्टेप टू में रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर ऑफ, अभी देखो जेड का कोई वो बोल रहा है मेरा उतना ही रहेगा, ओके बराबर है, और यहाँ पे एक्स और वाई का दिया हुआ है, ओके यहाँ पे डब्ल्यू का दिया हुआ है कितना, 1/6 बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयर प्रेफरेंस द रेशियो ऑफ 2:3:1, दैट मींस डब्ल्यू एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर, जेड विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर इन फ्यूचर ऑल्सो। तो जेड में कोई भी चेंज करना नहीं है, ओके बराबर है, चेंज किस में होगा, एक्स और वाई में होगा, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, रिमेनिंग शेयर इज 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर प्लस जेड, ओके प्लस शेयर ऑफ जेड, ओके प्लस शेयर ऑफ जेड, बराबर। ये फॉर्मूला नंबर है 8 या 9 है, ओके दोनों में से। सो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, 1/6 है, प्लस जेड का कितना है, 1/3 + 2 = 5 + 1 = 6, 1/6, ओके। सो 1 - 2/6, 6 × 6 6 - 2 = 4, सो 4/6 क्या हुआ, रिमेनिंग शेयर हुआ, ओके। इसके बाद आपको फाइंड करना है न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ ए, ओके। नो 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 नो, फॉर्मूलाज में गुडविल तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी, गुडविल तो स्टार्ट ही नहीं किया, ओके 8 और 9 में दिखा रहा हूँ, देख तेरे को मैं, हाँ 7 है, जो भी होगा 7-8 में होगा, बराबर। हाँ तो दोनों का किया ना मैंने यहाँ पे, देखो दोनों का किया ना यहाँ पे, वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर प्लस शेयर ऑफ जेड, ओके क्योंकि जेड बना कर रहा है कि मेरे को कोई चेंज नहीं करना है, सो 1/6 प्लस 1/6, 1 - 1/6 प्लस 1/6, हाँ हाँ चालू है, हाँ हाँ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर प्लस शेयर ऑफ जेड, प्लस शेयर ऑफ जेड, हाँ जेड, ओके हो गया अभी ये 1/6 प्लस 1/6, सो यहाँ पे क्या आया, 4/6 आ गया, ओके बराबर। सो शेयर ऑफ न्यू शेयर ऑफ ए, तो रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, ओके रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, ओके। सो रिमेनिंग शेयर कितना है, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6, यानी 4 × 2 = 8 और 6 × 6 = 36। बी का 4/6 3/6, 4 × 3 = 12, 6 × 6 = 36। सी का कोई चेंज नहीं करना है, ओके तो उसका क्या होगा, 1/6, ओके। डी का समझाता हूँ मैं, डब्ल्यू का, ओके डब्ल्यू इज न्यू पार्टनर, ओके तो उसका क्या है, 1/6 है, 36 एलसीएम है, 6 × 36 होता है, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ओके। अभी इसका 1/6 से नो चेंज हो कर रहा है, ओके तो यहाँ पे एलसीएम कितना, 36 आएगा, तो 6 तो यहाँ पे 6, ओके। तो न्यू रेशियो क्या आया, 8:2, 12:2, 6:2, 6 आया, ओके
इसको डिस्को में डाल दो तो ये जाएगा 2 से जाएगा, 2 4 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा। ओके सो 4633 आया आंसर आया। ओके न्यू रेशियो क्या आया, 4633। जी सी बता का क्या बोल रहा है, मेरे को 1/6 ही चाहिए। ओके सी क्या बोल रहा है, जेड क्या बोल रहा है, मेरे को 1/6 ही चाहिए। सॉरी एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड। जेड क्या बोल रहा है कि मेरा कोई चेंज नहीं होगा, मेरा कोई चेंज रॉन्ग है रॉन्ग कितना आ रहा है, अच्छा 8 12 आ गया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया अपने, देखो 8 12 आ गया। ओके अच्छा 5 क्यों आता है यार, 2 मिनट 30 होगा फिर यहाँ पे। इसका 1/6 है ना, न्यू पार्टनर का कितना है, हाँ 1/6 ही है। ओके और इसका 3 + 2 5 + 1 6, 1/6 तो है इसका। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 LCM हो जाएगा, 2/6 6 4/6 4/6 इंटू, अरे हाँ 2/5 होगा ना यहाँ पे, जेड का यहाँ पे 2/5 होगा बेटा। सो यहाँ पे 30 हो जाएगा LCM। ओके यहाँ पे 2/5 लेना पड़ेगा क्योंकि जेड में कोई जेड मना कर रहा है। ओके जेड में कुछ चेंज नहीं करना है। ओके तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पे 2/5 आएगा ना, यहाँ पे 3/5 आएगा, रिमेनिंग शेयर इंटू होल शेयर, रिमेनिंग शेयर इंटू होल शेयर। तो होल शेयर में जेड बना कर रहा है तो इन दोनों के लेंगे अभी, हाँ जेड बना कर रहा है। ओके जब भी ऐसा होगा तो ऐसा करना है, सब में ऐसा नहीं होता भैया, सब में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इसमें ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है कि जेड बना कर रहा है कि मेरे को कोई चेंज नहीं चाहिए। ओके मैं तो जो है मेरा है वही रखूंगा मैं, इसलिए उसको निकाल देना है उसको। तो क्या होगा, 2 + 3 5 होगा। ओके 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। ओके यहाँ पे 2/5 और 3/5। ओके इस केस में ऐसा होगा, सब में तो 6 लेना है आपको, पर जेड मना कर रहा है कि मतलब एक ना बोल रहा हूँ तो आप उसको निकाल दो, ऐसा उसको निकाल दो। ओके नहीं रेशियो में नहीं लेने का लेने का, ओके उसको काउंट भी नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 30 आ जाएगा, 6/5 30। ओके और 4 2 8, 4 2 12 और 6/5 30। ओके यहाँ पे 30 LCM आएगा तो 6/5 30, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6/5 30 तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके तो एलसीएम क्या आएगा आपका, दैट इज अ 8:12:5:5। ओके बराबर, एट रेस टू 12:5:5। ओके क्लियर दिस, हाँ सेक्रीफाइस होगा ना, अभी सेक्रीफाइस बाकी है अभी। ये न्यू रेशियो आ गया। हेलो हाँ कौन, हाँ बोलो कौन,